दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पीएलसी के बारे में कि पीएलसी क्या होती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है और उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, जो पीएलसी होती है वो हमारा ऑप्टो कपलर पे काम करती है। ऑप्टो कपलर बोले तो उसका ये होता है कि हमारा जो सीपीयू होता है उसको सप्लाई ऑप्टो कपलर के थ्रू जाती है। मतलब हम जब कनेक्ट करते हैं सप्लाई अब सीपीयू पीएलसी में, तो हमारे उसके अंदर एक एलईडी लगी होती है। जब वो ग्लो करती है तभी हमारा सीपीयू ऑन होता है। उसका हमारा ये बेनिफिट होता है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी हम कनेक्शन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो हमारा केवल एलईडी जो हमारा सीपीयू के पहले का सिस्टम है वही ख़राब हो, हमारे सीपीयू पे कोई इफेक्ट ना पड़े उसका। तो अब हम बात करते हैं पीएलसी के टाइप के बारे में कि पीएलसी हमारी कितने टाइप की होती है। तो जो हमारी पीएलसी होती है वो दो टाइप की होती है। पहला तो होता है सिंक टाइप और दूसरा होता है सोर्स टाइप। सिंक टाइप मीन्स जो हमारा करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है वो इनवर्ट डायरेक्शन होता है। मीन्स कि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो स्विच के थ्रू सप्लाई जाती है उसमें, और हमारा जो निगेटिव होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं। और जो हमारा सोर्स टाइप होता है, सोर्स टाइप में क्या होता है, हमारा जो डायरेक्ट करंट फ्लो का डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। आउटवर्ड डायरेक्शन मीन्स जो हमारा करंट का फ्लो होता है इस तरह होता है कि हमने यहाँ पे एरो लगा रखा है। हमारा जो निगेटिव होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है इसमें, और जो हमारा पॉजिटिव होता है वो स्विच के थ्रू उसमें सप्लाई जाती है। हम सिंक और सोर्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आप, मैंने एक डायग्राम सा बना रखा है आपको समझाने के लिए कि सिंक और सोर्स, जैसे कि एक मान लीजिए नल है, उसमें हमने उसके वाल्व को खोल रहे हैं और नीचे हमने एक बकेट रखी हुई है जिसमें हमारा पानी आ रहा है। तो जो हमारा सोर्स है, यहाँ से पानी सप्लाई हमारा गिर रहा है, ये जो नल हो गया वो हो गया हमारा सोर्स, और ये हमारा जो बकेट है जिसमें पानी हमारा इकट्ठा हो रहा है ये हो गया सिंक। हाँ, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी पीएलसी की प्रोग्रामिंग के बारे में कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो पीएलसी की प्रोग्रामिंग से पहले हमें एनओ एनसी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारा जो एन ओ एन सी का सिंबल होता है सॉफ्टवेयर में क्या होता है और हार्डवेयर में क्या होता है। जो हमारा हार्डवेयर में तो हम एन ओ ऐसे बनाते हैं तो उसका इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, तो और एन सी का हमारा ऐसे बनता है। तो ये हमारा एन ओ एन सी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम और गेट का बना रहे हैं क्या दोस्तों। हम आर एल सी में केवल एक तरह से हम और गेट बना पाते थे उसका सर्किट, लेकिन हम पी एल सी में चार तरह से ही बना सकते हैं। पहला ये कि हम दोनों एनओ यूज करके, दूसरा एक एनसी एक एनओ यूज कर लें, तीसरा एक एनओ एक एनसी यूज कर लें, और चौथा एक कॉन्सेप्ट है कि हम चारों एनओ यूज दोनों एनओ यूज कर लें। तो पहले हम दो एनओ यूज करके बनाते हैं, हमारा ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें एनओ लगाना है, एनओ लग गया। इसके बाद प्लस बी, प्लस बी का भी हमने एनओ ले रखा है, दोनों एनओ ले रखा है, तो यहाँ पे हमारा प्लस बी का एनओ लग गया। और ये हमारा वाई जीरो आउटपुट हो गया। हमने सर्किट तो बना दिया लेकिन हमें इसका एड्रेस देना पड़ेगा क्योंकि बिना एड्रेस के प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे एक्स जीरो एक्स टू दो दो एन स्विच का एनओ ले रखा है हमने। तो पहला जो दोनों एनओ यूज करके हमने बनाया वो ऐसे बन गया। अब हम एक एनसी और एक एनओ यूज करके और गेट बनाते हैं। पहला हमने एनसी यूज कर लिया है एक्स वन का, और आगे दूसरे में यहाँ पर हमारा वाई जीरो आउटपुट आ गया, और दूसरे में हमने एक्स टू का एनओ यूज कर लिया। अब इन दोनों में से हम कोई भी पुश बटन प्रेस करेंगे, हमारा वाई जीरो में आउटपुट आ जाएगा।